प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट विदिशा पर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। इस सीट से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। विदिशा सीट पर क्या है सियासी समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत की ऐतिहासिक और अति प्राचीन नगरी है जो हिंदू और जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। विदिशा जिले के उत्तर में अशोकनगर जिला, पूर्व में सागर, दक्षिण में रायसेन जिला, दक्षिण पश्चिम में भोपाल और उत्तर पश्चिम में गुना जिला है। पांचवी और छठी शताब्दी में यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर मुख्य रूप से शुंग, नाग, सातवाहन और गुप्त वंश का शासन रहा है। 1904 में इस क्षेत्र को भेलसा जिला बनाया गया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो ग्वालियर राज्य की रियासत विदिशा मध्य प्रदेश में आ गई। साल 1949 में इसे एक पूर्ण जिला बनाया गया और 1956 में इस जिले का नाम बदलकर विदिशा रखा गया। राजनीतिक दृष्टि से भी विदिशा नगरी समृद्धशाली रही है। विदिशा के चुनावी इतिहास को देखें तो यह लोकसभा सीट 1967 में भारत की चौथी लोकसभा के साथ अस्तित्व में आई। तब से अब तक हुए 13 लोकसभा चुनाव में एक बार जनता पार्टी, दो बार इंदिरा कांग्रेस जीती है। बाकी बार इस सीट पर जनसंघ और भाजपा का कब्जा रहा है। इस सीट पर 1971 में जब कांग्रेस को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली थी तब भी विदिशा के मतदाताओं ने जनसंघ का समर्थन किया था। यह लोकसभा क्षेत्र प्रारंभ से भाजपा की सुरक्षित सीटों में शामिल रहा है। यहां से एक बार 1991 में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते। तब से यह सीट राष्ट्रीय मानचित्र पर चर्चित हो गई। इसके बाद दो बार साल 2014 और 2019 में भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज भी यहां से सांसद रही हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1991 से 2004 तक लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में विदिशा संसदीय क्षेत्र से रमाकांत भार्गव सांसद हैं, जिन्होंने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 2,68,000 मतों से जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ हम विदिशा में सबके कल्याण के काम भी करेंगे, विकास भी होगा और देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। उनके पास ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है, ना नेतृत्व है। और इसलिए विचारवान लोग जैसे शशांक जी, उनके पहले सुरेश पचौरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी अपने देश की सेवा के लिए और जनता के कल्याण के लिए ग्रहण कर रहे हैं। बदले लेने की तो कोई चुनाव होता नहीं है, जीत हार तो होती है। पहले वो जीत गए थे, हम हार गए थे, इस बार हम जीत जाएंगे, वो हार सकते हैं। और ये जीतने की लड़ाई है, इसको बदले की भावना से नहीं लड़ना चाहिए, मित्रता की भावना से ही ये चुनाव होना चाहिए। उनने बहुत सेवा कर ली, अब उनको हिसाब देने का समय है। जनता को बताएं कि विदिशा के लिए क्या किया, रायसेन के लिए क्या किया, बुधनी के लिए क्या किया, इच्छावर के लिए क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों की समर्थन मूल्य पे आज खरीदी नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विदिशा लोकसभा सीट क्रमांक 18 विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिले को मिलाकर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें विदिशा जिले की विदिशा एवं बासोदा, रायसेन जिले की सांची, सिलवानी, भोजपुर, सीहोर जिले की बुधनी एवं इच्छावर और देवास जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में इस बार 19,40,045 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9,34,896 महिला मतदाता एवं 10,05,106 पुरुष मतदाता और 43 अन्य मतदाता शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 1,99,596 नव मतदाता हैं। इन मतदाताओं के मतदान के लिए 2,381 मतदान केंद्र बनाए गए। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में 81.39% आबादी ग्रामीण और 18.61% आबादी शहरी है। मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर विदिशा शहर राजधानी भोपाल से महज 1 घंटे की दूरी पर है। यह संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान होने से एक ओर जहां शरबती गेहूं के लिए मशहूर है,
वहीं ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटे विश्व पर्यटन में शामिल है। यहाँ की उदयगिरी गुफाएं और ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर सहित उदयपुर का शिव मंदिर आज भी विश्व मानचित्र पर अपनी सुंदर नक्काशी की छटा बिखेर रहा है। विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।